वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों कैसे हो आप लोग ज़रूर बताना मुझे, और कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं यार, प्लीज़ बताया करिए। आप लोग बहुत लोग देखते हैं मेरा वीडियो, मुझे पता है, और तो प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर किया करिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर किया करिए दोस्तों। और पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये आज मैंने शुरू में ही बोल दिया, लास्ट में बोलती हूँ, बहुत लोग वहाँ तक जाते हैं, बहुत लोग स्किप कर जाते हैं। और आजकल मैंने एक शुरुआत करी है कि मैं बहुत बड़े व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी, बहुत आप लोगों का दिमाग ना खाऊँगी नहीं, ठीक है, छोटे छोटे बट इंफॉर्मेशनल हैं, या फिर थोड़े से फनी या इस टाइप के, मतलब जो भी हैं, छोटे छोटे व्लॉग्स दूंगी मैं, जो कि आपका भी बहुत टाइम ना जाए, और मेरा तो खैर जाता है एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, आपको शूट करना है, क्या आपको डालना है क्या नहीं डालना है, ये सारी चीज़ें आपको सेग्रीगेट करनी होती हैं। तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि शाम से मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की है, तो वॉक मैं सुबह आधे घंटे और शाम को आधे घंटे लूँगी अपनी टेरेस पे ही, क्योंकि सिचुएशन नहीं है कहीं बाहर जाने की, और मेरा टेरेस भी अच्छा खासा बड़ा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे जा कर के कहीं बाहर, इवन तीन साल पहले लगभग मैंने वेट लूज़ किया था, मैंने 7-8 किलो वेट लूज़ किया था उस समय, लेकिन उसके बाद कुछ डिस्टर्बेंस आई और फिर अगेन वापस आ गई मैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी तो है मेरे अंदर, जो मुझे महसूस होता है कि मैं फ्रिक्वेंट नहीं हूँ किसी चीज़ पे, इसलिए मैं अब कुछ एक चीज़ें मैंने जो अपने डाइट में चेंज करी हैं, कुछ चीज़ें मैंने अपने दिनचर्या में चेंज करी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज से स्टार्ट पे हूँ, और कल मैंने वॉक करी थी, आज मैंने मॉर्निंग में थोड़ा सा योगा और प्राणायाम कर लिया, क्योंकि मैं उठने में लेट हो गई, मुझे 7:15 बजे मेरी नींद खुली, और इस वजह से मैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाई आज की। आदत पड़ गई है ना, आलस सी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा मैं लॉकडाउन में, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ जिसने आपको मॉर्निंग में जगा देना है। हस्बैंड का ऑफिस भी है तो वो भी 9:30 तक निकलते हैं, 9:15-9:30 तक, तो इतना कुछ रहता नहीं है कि हाँ मुझे बहुत जल्दी उठ करके सारे काम करने हैं। जो था भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, वो मैंने हाउस हेल्प लगा ली, तो फिर मुझे अभी टेंशन उतना नहीं है, तो काफ़ी रिलैक्स हूँ मैं। बल्कि अभी तक ये होता था, थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब था कि हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद फिर मैं पोछा करके तब नहाती थी, फिर पूजा करती थी, अब ये है कि मैं उनके ऑफिस निकलने के पहले नहा धो करके उनको खाना वाना खिला करके फिर भेजती हूँ, तो मुझे भी एक सुकून सा रहता है, एक शांति रहती है, और क्योंकि इस दौरान काम करने की इतनी अच्छी आदत पड़ गई है कि अब आलस्य नहीं लगता है, पहले थोड़ा सा लगता भी था, जो वो इस समय चला गया है। तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से है कुछ, मैं वेट लॉस जर्नी पे चल रही हूँ, आज से मैंने स्टार्ट किया है अपना, और किसी से मेरा वादा है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर वो ये ब्लॉग देख रहे हैं तो वो समझ रहे हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, और आपसे मेरा वादा है और आपने मुझसे वादा किया, सिर्फ मैं वादा करती तो मैं शायद नहीं निभा पाती, लेकिन आपने भी वादा किया है तो आपको भी निभाना है, और साथ में चलेंगे हम लोग, साथ में वेट लॉस करेंगे, गेन किया है साथ में तो रिड्यूस भी करेंगे साथ में, तो आपको करना है ये काम मेरे लिए, अपनी फैमिली के लिए, हम सब के लिए, और मुझे भी करना है। तो ये थोड़ा सा हमारा इमोशनल रिश्ता है दोस्तों, बताऊंगी मैं इसके बारे में, आप सब जानते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हम लोग कुछ इस वेट लॉस जर्नी की 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ जाएं, तब बताऊंगी मैं किससे वादा है मेरा, क्या वादा है।
और शुरुआत है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने कुछ टाइम पहले किया था, अब्र के होने के बाद मैंने वेट लॉस किया था, मैंने 7-8 किलो कम किया था अपना वजन, लेकिन मैं उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाई। कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है यार, हम लोग लेडीज़ के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऐसी कि फिर हम उससे ना बैक हो जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। और ऐसा एक दो बार नहीं, मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में गई हूँ, मतलब प्रोग्राम्स इन सेंस कि जो हमें मेंटल पीस भी देते हैं। मैंने उनका क्या कहते हैं, रामदेव जी का योगा कैंप हुआ, या श्री श्री जी का हुआ मेडिटेशन कैंप, ये सारे किए हुए हैं। तो मुझे ना इतना अच्छा लगता था उस समय, मैंने 2-2.5-3 महीने जो उसको चलाया है, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है ऐसी कि 1 गैप 2 गैप 3 गैप, उसके बाद फिर लंबा गैप ऐसा आ जाता है। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो। और मैंने वेट रिड्यूस का जो अपना टारगेट रखा है कायदे से, तो मेरा 20 किलो कम होना चाहिए आज की तारीख में, मैं आपको बता रही हूँ। और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं हम, तो वो चीज़ें आपके साथ में शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम। मैंने अपनी डाइट में चेंज किया है, फ्रूट्स और सैलड का इंटेक बढ़ा दिया है, कार्ब्स का कम कर दिया है। एक टाइम में या तो चावल लूँगी या तो रोटी, कोशिश रहेगी कि रोटी ही लूँ, चावल कम से कम लूँ, क्योंकि जो वो होता है ना उसका स्टार्च निकाला वाला चावल, वो मेरे यहाँ पसंद नहीं किया जाता, वो सबको पसंद है स्टार्च वाला चावल एक्चुअली। तो वो अगर मुझे लेना है तो हफ्ते में 1 दिन आई थिंक बहुत है। एकदम से कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं स्ट्रांग बन रही हूँ, बनने की पूरी तैयारी में हूँ, पूरी कोशिश में हूँ। तो कोशिश ही कामयाब होती है, वही करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए जैसा भी होता है, आज तो दिन आपके साथ ही मैं बिता रही हूँ। तो अच्छा, ये मैंने ये गाउन पहना है, नया गाउन है, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत प्यारा सा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये। ये ना पूरा नी लेंथ तक, नहीं सॉरी एंकल लेंथ तक है। तो बहुत ही प्यारा सा इसका कलर कॉम्बिनेशन वाइट के साथ ग्रीन एंड येलो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। और मुझे ये रिसीव हुए 2-3 दिन हो गया, तो मैंने इसको सैनिटाइज करके रखा था। आज मैंने इसको नापने के लिए कि जस्ट देख लूँ यार टाइट है या सही है, तो बहुत अच्छी फिटिंग है, बहुत प्यारा लगा। और स्टार्टिंग में ही मैं आपसे बोल रही हूँ दोस्तों, मेरे व्लॉग्स को लाइक कर लिया करिए, नहीं पसंद आते तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा बेल आइकन आता है वो प्रेस करना मत भूलिएगा, तो मेरी वीडियो की आपको ऑल नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपको फिर मुझे सर्च लिस्ट में कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम आप कंटिन्यू रहेंगे एक साथ में। तो चलिए फिर जो भी करती हूँ दिन में मैं आपको दिखाऊंगी। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, अभी मिल रही हूँ आपसे, शाम का टाइम है, एक्चुअली रात का टाइम है, तो 9:15 हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, क्योंकि हस्बैंड इतना लेट आए हैं ना, अक्सर करके वो लेट हो ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने लिए टारगेट रखा था कि मैं 8-8:30 तक खाना खा लूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, इतना लेट आते हैं। अभी जस्ट वो गार्गल कर रही है, तो अब हम लोग चाय और खाना साथ में ले रहे हैं, छोटे कप में चाय। और मन नहीं करता यार आजकल चाय पीने का मेरा, बस मैं एक दबाव में पीती हूँ कि हाँ इनके साथ मुझे साथ देना है चाय का, अदरवाइज मन बिल्कुल भी नहीं है। हेलो इंग्लिश की कॉफी ले लो, इधर अरे इंग्लिश की कॉफी। तो अब्र का भी होमवर्क करवाया है, सारा कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग डिनर करेंगे।
उसके बाद फिर मैं आप लोगों से गुड नाइट करने के लिए मिलती हूँ। चलिए फिर खाना खा के मिलती हूँ। हाँ, मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी और उसके साथ रोटी है। बिल्कुल सिंपल सा खाना है। आजकल सिंपल ही सादा जीवन, उच्च विचार, इसी पर चलने की कोशिश है। चलिए फिर डिनर के बाद मिलती हूँ। दोस्तों, ये मेरी डिनर की प्लेट है। आलू टमाटर की सब्ज़ी है और रोटी। तो सिंपल सा डिनर था हमारा, वो हमने कर लिया। उसके बाद पौधों में मैं पानी देने जा रही थी, तो बाहर का एक ऐसे ही व्यू मैंने आपको दिया है। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आपके लिए ऐसे नए नए प्यारे प्यारे व्लॉग्स लाती रहूँगी मैं, और आपका मेरा साथ ऐसे ही बना रहेगा। तो दोस्तों, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। शुभ रात्रि दोस्तों।